उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार 12 जून को समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी और सभी विभागों के प्रमुख सचिव के साथ मुख्यमंत्री योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा भी की, लेकिन इस दौरान एक अजीब घटना भी घटी जिससे मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर अपने अफसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया और बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अनुशासनहीनता नहीं चलेगा। दरअसल इस समीक्षा बैठक में कुछ जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान देरी से पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। योगी ने देर से पहुंचने वाले अफसरों को साफ कह दिया कि देरी से आने वालों का इस बैठक में कोई जगह नहीं। योगी ने गार्ड्स को खुली छूट दे दी कि चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, देरी से आने वाले को अंदर न आने दिया जाए। इन अफसरों में विशेष सचिव बाल पुष्टाहार गया प्रसाद, प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश सहित कई अन्य अफसर भी शामिल है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इन अफसरों की लापरवाही की वजह से प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है। ऐसी बैठक जहां खुद सीएम और डीजी समय पर है, वहां इन जिलाधिकारियों का देर से पहुंचना निश्चित ही अनुशासनहीनता को दर्शाता है। योगी यही नहीं रुके, बैठक में हर अधिकारी के मोबाइल फोन्स तक को जब्त कर लिया गया। इन तस्वीरों को देखें, कैसे हर अधिकारी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद इन अफसरों की अकल ठिकाने आ गई होगी।